देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मौजूद है अभी आरजेडी कार्यालय के पास। क्या हुआ? हमारी बहाली को सरकार अपने दमनकारी नीतियों के तहत 4 साल होने के बाद बहाली वापस ले रही है। सरकार आप लोगों को कुचलना चाहती है सर, ये एकदम उनकी मंशा है कि सरकार पूरी तरह से कुछ ज्यादा बोलते ही वहाँ बहाली बोलिए हमारी बहाली 3 साल आ रहे हैं हमारी हमारी बहाली 2019 में निकाली गई थी 6379 पदों के लिए। 3 साल के बाद लगातार करने के बाद 3 साल लगातार हम लोग बाबुओं का युवाओं के जिंदगी के साथ क्यों खेल रही है बिहार सरकार। ये तो सरकार बताएगी, हम लोग बार बार आग्रह करते रहे मजिस्ट्रेट साहब से, तो हम लोग हाथ पैर पकड़ते रह गए और 4 साल होने के बाद भी बहाली को अब वापिस लेने के लिए सरकार में बैठे नुमाइंदे लगातार हम लोग को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बार बार मिन्नत आरजू करते हैं, बार बार मिलते हैं, परंतु हम लोग का कोई बात सुनने जा रहा है और लगातार हम लोग का विरोध किया जा रहा है और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत बहुत ही गलत है। पुलिस इतना क्यों आ गई आप लोगों को गिरफ्तार करने? ये सरकार का दमनकारी नीति है जो हम लोग को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार के दमनकारी सरकार आप लोग को दबाना चाहती है? सरकार पूरी तरह से दबाना चाहती है हम लोग को। ये 4 साल से पूर्णतः हम लोग का मानसिक रूप से हम लोग जो है अब एकदम समझिए कि पागल घोषित हो गए हैं हम लोग। अब कोई रास्ता हम लोग को दिख नहीं रहा है, सरकार पूरी तरह से निचल हो गई है। हम लोग का विश्वास था कि ये सरकार हम लोग के लिए कुछ करेगी, लेकिन कुछ नहीं की है। नहीं सर, पे आ गया सर, बताइए 4 साल से हम लोग कितना भटक रहे थे, आज ऐसा मौत पे आ गया। मजिस्ट्रेट साहब मौत दे दे, मौत में भगवान दे देना, वो कर सकते हैं। गर्दनी भाग जाओ, क्या गर्दनी भाग साहब, 52 दिन रहे वहाँ गर्दनी भाग में। युवाओं की जिंदगी के साथ कब तक खेलेगी सरकार साहब? महीना रहे युवाओं की जिंदगी के साथ कब तक खिलवाड़ करेगी सरकार? भाग में सुना कोई बात मेरा, युवाओं के साथ कब तक खिलवाड़ करेगी सर? खिलवाड़ की जगह युवाओं के साथ, अभी 6 मिनट तो मौत भी नहीं दे रहे हैं। युवाओं को मांग के क्यों दबाया जाता है सर? 6 मिनट तो मौत भी नहीं दे रहे हैं, हम लोग का कोई बात नहीं सुन रहा है सर। इनका धरना, अरे भाई इनका प्रदर्शन यहाँ पर इलीगल सर, इलीगल सर, लीगल कहा सर, लीगल कहा सर, लीगल कहा खान सर लीगल कहा सर, लीगल कहा क्या हो रहा है? कोई झांकने भी नहीं आता, बोलते गर्दनी भाग में 2 महीना गर्दनी भाग में धरना दिया, कोई देखने भी नहीं आया और क्या देखे, रोड पे छोड़ दिए हैं। आवाज की दबाया जाएगा, निकम्मी सरकार है यहाँ का और पलटू चाचा। युवाओं की सरकार है, 10 लाख रोजगार देने वाली, 10 लाख नहीं, यहाँ लाठिया चल रही, लाठिया मार खा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, बस खाली लाठिया मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, 10 लाख रोजगार नहीं मिल रहा, कुछ नहीं रोजगार देख नहीं रहे, रोजगार मिलता तो रोड पे भटकते। ये तो साइन किया ना 10 लाख पर? साइन नहीं, वो क्या करेंगे, आइएगा ना वोट मांगने, तेजस्वी सरकार हो चाहे पलटू चाचा हो, तो भूल जाएगा जादव जी है देंगे, क्या होगा जो बताएंगे, आइएगा ना वोट मांगने, हम देखेंगे क्या टाइम भी हम देख लेंगे आप लोग को, क्यों दिखा देंगे उनको, बता देंगे। जाति धर्म पर वोट नहीं दीजिएगा? जाति धर्म नहीं, अब इतना अच्छी हो गया ना, बर्बाद कर दिया हम लोग का लाइफ, इंजीनियर अपने भटका रहे रोड पे, जो अभी मेरिट लिस्ट जब आने वाला था तो कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया, बाली कैंसिल पे ला दिया हम लोग का, 5 साल बैके 5 साल का वैकेंसी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो वैसे भी बर्बाद है, कितना कानूनी कार्रवाई करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर BTSC JEE के लोग हैं, यहाँ पर हमारी बहाली वापस करो, 4 साल की प्रक्रिया के बाद रिजल्ट मेरिट लिस्ट बनने ही वाला था कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया नीतीश कुमार सरकार के द्वारा, तेजस्वी सरकार के द्वारा। युवाओं को बार बार ठगा जा रहा है बिहार में, यहाँ पर रिजल्ट दो या इच्छा मृत्यु दो का बैनर भी यहाँ पर युवा लोग लगा के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार कितनी डरी हुई है कि यहाँ पर अपना पूरा पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर चुकी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये सरकार का डर सीधा सीधा बताता है, पुलिस प्रशासन का भीड़ सरकार को सीधा सीधा दिखाता है कि सरकार कितना डर चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 4 साल हो गए इस जॉब को, इस जॉब का 2019 में ही वैकेंसी निकाली, मेरिट आने वाला था और एग्जाम कैंसिल हो गया, रिजल्ट को कैंसिल किया, पूरे वैकेंसी को कैंसिल कर दी गई। पहले बोला क्या कि पहले बार में निकाला, फिर सारा अलॉट भी कर दिया गया था, डिपार्टमेंट भी अलॉट हो गया था, फिर बाद में ऐसे थोड़े ना होता है कि ऐसे गिनती हो, वोट हो तो 4 दिन में 2 दिन में रिजल्ट नॉमिनेट हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है। और हमारी वैकेंसी जा रहा कि युवाओं की सरकार है,
युवाओं की सरकार है फिर भी युवाओं के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। 10 लाख रोजगार मिल गया भैया, कहाँ 10 लाख रोजगार कहाँ मिला है? मिलता तो न्यूज में आता ना कि 10 लाख मिल गया है। आतंक साथ पहला कलम 10 लाख कहाँ मिला? आप लोगों के सामने ही है, लगता है कलम का स्याही सूख गया है। बिल्कुल, रोजगार देने वाले, रोजगार छीने वाली सरकार आई है। हम लोग उससे 6,000 क्लियर नहीं हो रहा है, 10 लाख क्लियर कर देगा। दिया हुआ क्या लगता है? क्या लगता है? दिया हुआ बड़ा वाली छीन रहा है। पुलिस प्रशासन आप लोग पर आई है लाठिया बरसाने के लिए। हम लोग सहेंगे, ऐसे भी 4 साल से हम लोग बर्ताड़ी करके मार दिए सरकार, हम लोग सहेंगे। उससे अच्छा है कि हम लोग मर जाए। क्या लगता है तेजस्वी यादव अपना वादा भूल गया? भूल गया क्या? उसको बस की बात नहीं है, उसे 64 से बहाली क्लियर नहीं हो रहा है, 10 लाख बहाली क्लियर कर देगा। क्या लगता है तेजस्वी जी सत्ता में आने के बाद सुर बदल गया? वो भी पलटू राम से बड़े पलटू राम हो गए तेजस्वी यादव भी। दिया हुआ बहाली वापस कर लिए, 6400 और 10 लाख देने का वादा करते हैं। 10 लाख दे रहे, सबको कार्ड छाट के सब मिला के 10 लाख एक ही बार देंगे? नहीं नहीं, एक बार में कैसे दे देंगे? पुराना बहाली को ही अपना नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और उसी को गिना रहे हैं। 10 लाख पर ही भरोसा अपन आप लोग वोट दे करके जीता थे सरकार बनाए? 10 लाख का दे रहे थे भरोसा को जनता को ठग रहे हैं। विश्वास है कि वो आएंगे तो हम लोग को रोजगार देंगे, लेकिन वो तो सीधा उल्टा हो गए। पहले साझा हुआ था, रोजगार नहीं मिल रहा, लाठी मिल रहा है। बिल्कुल, 4 साल पुरानी वैकेंसी को अभी कैंसिल करना कहाँ तक उचित है? जब सत्ता में नहीं थे तो इसी वैकेंसी को पूरा करने के लिए सदन में आवाज उठा रहे थे, अब जब सत्ता पक्ष में आ गए तो इसको कैंसिल कर दिया, कहाँ तक ये उचित है? लाठी मिल रहा है? बिल्कुल, हम लोग लाठी अब इनको दिखाएंगे, इलेक्शन के समय में इनको बताया जाएगा। इलेक्शन के समय तो आप लोग जाति धर्म पर आ जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, हम पढ़े लिखे इंसान जाति धर्म में नहीं आएंगे। सर के पास चल सर छात्र। अरे तो मजिस्ट्रेट बैठाए हैं तो हम लोग भी तो बैठा रहे हैं, किनको गाड़ी में हमारा बैठाइए। सर बैठाने का मतलब सब जानते हैं। क्या हो गया, क्यों भगाया जा रहा आप लोग को? मैं 4 सालों से आंदोलन रहते हैं आप लोग, लाठी चार्ज इन लोग कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं इसके बेसिस पे भी, तो बेटर है हमें ज्वाइनिंग दे, रिजल्ट दे, क्योंकि 4 साल से हमें लटका के इन लोग रखे हुए हैं। हक मांगेगा तो लाठी मिलेगा? लाठी मिलेगा क्या? जो लाठी मार रहे हैं अगर उनके नौकरी को ऐसे बंद करके रख दिया जाता तब क्या होता? मतलब सरकार के इशारे पर सब सरकार के कैरेक्टर हर एक चीज, बीजेपी जेडीयू जितने भी है आरजेडी तीनों बस मुंह से बोलना जा रहे हैं, रियल में कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों पर लाठी चार्ज क्यों कर रहे हैं? हम लोग अपने अधिकारों का मांग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पे लाठी बरसाए। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज़।